नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं निकाला गया? माननीय सांसद जी ये बता दें कि दो बार हमने आपको लोकसभा पहुंचाया, चेतावनी दे रहे हैं, सांसद को काले झंडे भी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हम सभी आत्मदाह करने को भी तैयार हो जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे के न आने से जनप्रतिनिधियों का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस को लेकर सांसद आवास पर युवा व्यापार मंडल ने धरना प्रदर्शन कर मुर्दाबाद की नारेबाजी की। इसके बाद उन्हें ज्ञापन सौंपा। हालांकि एक्सप्रेस वे को निकाले जाने को लेकर अब युवा काफी देर से जागृत हुए हैं। इससे पहले काफी पूर्व दिनों से युवा जन सेवा संगठन के अध्यक्ष मोहित गुप्ता ने इसकी मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन उस ओर किसी भी फर्रुखाबादी का ध्यान नहीं दिया गया। युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव ने जुलूस निकालकर सांसद मुकेश राजपूत के ठंडी सड़क स्थित आवास का घेराव किया। युवा व्यापार मंडल ने उनके आवास पर धरना प्रदर्शन कर मुर्दाबाद की नारेबाजी की, सरकार को कोसा और कहा कि जिले में कई कैबिनेट मंत्री सांसद विधायक दिए हैं, उसके बाद भी गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर फर्रुखाबाद की जनता के साथ धोखा किया गया है। जब गंगा के पास से होकर एक्सप्रेसवे नहीं गुजारा जा रहा है तो उसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे क्यों रखा गया है? उसका नाम ही क्यों नहीं बदल देते? इसके बाद सीएम योगी को संबंधित ज्ञापन सांसद मुकेश राजपूत के कार्यालय प्रभारी मोनू राजपूत को सौंपा गया। मोनू राजपूत ने बताया कि सांसद पूर्व में ही गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पत्र लिख चुके हैं। इस दौरान शिव अग्रवाल, रितेश दीक्षित, आमिर खां, अमन जैन, अभय चतुर्वेदी, सचिन शर्मा व अमन गिहार आदि लोग युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं किस प्रकार युवाओं का गुस्सा जायज है और वो अपनी बात रखने के लिए अपने प्रतिनिधि के आवास पर पहुंचे हैं। गंगा एक्सप्रेस में रखा गया था जी। माँ गंगा की पावन पावन धरती पे और जो एक्सप्रेस वे का नाम गंगा एक्सप्रेस में रखा गया है और माँ फर्रुखाबाद में साक्षात विराजमान है, फिर फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं निकाला गया? जब एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव पास हुआ था, समस्त व्यापारियों ने, फर्रुखाबाद की जनता ने, हम सब युवाओं ने जोरदार बांटलोक जात माननीय सांसद जी का, माननीय चारों विधायकों का स्वागत समारोह किया था। माननीय सांसद जी ये बता दें कि दो बार हमने आपको लोकसभा पहुंचाया, दो बार माननीय चारों सांसद को हमने विधानसभा पहुंचाया, क्या हमारे साथ यही जाति होती रहेगी? भाजपा की पूर्ण सरकार है, आप लोग कहते थे पूर्ण सरकार नहीं थी, हम कुछ नहीं कर पाए। आज वर्तमान स्थिति में पूर्ण सरकार है, आपकी पूरी बहुमत से सरकार है और चारों विधायक एक सांसद फर्रुखाबाद जनपद में विराजमान है, फिर भी फर्रुखाबाद के साथ दुहाती क्यों हो रही है? मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। आज हम लोगों ने रोड शो किया है गंगा एक्सप्रेस वे के लिए, आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से नहीं निकाला गया, हम लोग माननीय चारों सांसदों, चारों विधायकों का घेराव करेंगे, माननीय सांसद जी का घेराव करेंगे, चारों विधायकों माननीय सांसद को काले झंडे भी दिखाएंगे। आप सकता है पड़ी माननीय मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हम सभी युवा साथी फर्रुखाबाद जनपद के माननीय मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद ही आप सकता पड़ी हम आत्मदाह करने को भी तैयार हो जाएंगे। हम फर्रुखाबाद के साथ जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।